अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव का कितनी बार किसके विरुद्ध प्रयोग किया गया? कौन इसका प्रयोग कर सकता है? किस सदन में किया जा सकता है? आज ही अपना कॉन्सेप्ट होगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। अविश्वास प्रस्ताव का सबसे पहले प्रयोग आपको बता दें, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। अविश्वास प्रस्ताव आप अपना आज का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होने वाला है और इस कॉन्सेप्ट में हम कई फैक्ट क्लियर करने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले आपको बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके विरुद्ध लाया गया था 1963 में। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बार यानी 15 बार इसका प्रयोग किया गया। मनमोहन सिंह जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे 10 वर्ष लगातार 2004 से 2014 तक, उनके विरुद्ध एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, ये भी आपके लिए फैक्ट है। कितनी बार विपक्ष ने इसका प्रयोग संसद में किया है, ये होता क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इसका क्या असर होता है सरकार पे, क्या परिणाम इसके सामने आते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। संसदीय प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संसदीय प्रक्रिया का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक हिस्सा है अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। तो इस प्रकार के प्रस्ताव हैं वो सामान्यतः विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं। बहुत कम रेयर केस होते हैं जब कोई सरकार का पक्ष का व्यक्ति कोई ये अविश्वास प्रस्ताव रख दे, लेकिन सामान्यतः विपक्ष द्वारा ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव या कहें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कई कारणों से सदन में लाया जा सकता है। जब किसी विपक्षी दल को लगे कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। सदन में एक सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से भी इसको रखा जा सकता है। बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलते हैं, दुर्लभ उदाहरण ही होते हैं कि सरकार का समर्थक कोई इस प्रस्ताव को रोक दे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास का मत पारित नहीं किया जा सकता, यह सरकार के विरुद्ध पारित किया जाता है। और भारत में संसदीय सिस्टम होने के कारण, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ भारत एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश भी है, तो यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। उस सिद्धांत का पालन होने के कारण सरकार जब गिरती है यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिरेगी, और सरकार जब गिरती है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है, तो सभी मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव से क्या हो सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव यानी जब लोकसभा में बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है, यदि सदन के अधिकांश सदस्य इसका समर्थन कर दें तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो कई कारणों से सदन में लाया जा सकता है, ये बात हमने कर ली। और भारत में पहली बार इसका प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। कब? जब 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध। तो 1963 में, अगस्त 1963 में आचार्य कृपलानी ने पंडित नेहरू के विरुद्ध ये प्रस्ताव संसद में रखा था। तो दूसरी बार या कहें कि कितनी बार या अब जो वर्तमान समय है, अब तक 27 बार इस प्रस्ताव का प्रयोग संसद में किया जा चुका है अलग अलग सरकारों के विरुद्ध। तो सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के विरुद्ध 15 बार इसका प्रयोग किया गया, लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध, नरसिंहा राव के विरुद्ध 3-3 बार, मोरारजी देसाई के विरुद्ध 2 बार, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 1-1 बार, और 1999 तो एक ऐसी घटना हुई कि एक वोट से वाजपेयी सरकार गिर जाती है, इस प्रस्ताव को हार जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है विपक्षी दल के 50 सदस्य लोकसभा में इस प्रस्ताव के लिए नोटिस दे सकते हैं। सत्ता पक्ष इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार जाती है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आप में जिज्ञासा है नई नई चीज़ें सीखने की, नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, विशेषकर पॉलिटिकल साइंस के, तो आपका आप ये जो चैनल है वो आपके लिए है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिगनर्स हैं तो बेल आइकन दबा लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक्स।